तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ICICI बैंक के लिए इंटरनेट बैंकिंग के लिए आप यूजर आईडी और पासवर्ड को किस तरीके से जनरेट करेंगे, वो भी खुद से घर बैठे। अगर आपको आता है तो इस वीडियो में नहीं बनिए, अगर आपको नहीं आता है कि कैसे जनरेट किया जाता है ICICI बैंक का इंटरनेट बैंकिंग का यूजर आईडी और पासवर्ड, तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको डिटेल से बताया हूँ कि किस तरीके से आप ICICI बैंक के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड को जनरेट करेंगे, वो भी अपने मोबाइल से, लैपटॉप से घर बैठे। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो स्वराज मैं इंजीनियर राजा और मैं आज आपको डिटेल से बताऊंगा कि आप ICICI बैंक के यूजर आईडी और पासवर्ड को किस तरीके से जनरेट करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने मोबाइल में आपको टाइपिंग कर लेना है ICICI बैंक इंटरनेट बैंकिंग। अब सामने कुछ इस तरह से पेज ये ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ देख रहे हैं कि इंटरनेट बैंकिंग का ऑप्शन है, नेट बैंकिंग का। सिंपली आपको यहाँ करना है, क्लिक कर देना है। तो क्लिक करते ही आपके सामने ये कुछ इस तरीके से ये ऑप्शन वेबसाइट जो इसका ओपन होकर आ जाएगा। अगर आपका पासवर्ड पहले से इसमें लॉगिन किए हुए हैं तो यहाँ पे जाके लॉगिन जाके इसको लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप पासवर्ड बनाना चाहते हैं इंटरनेट बैंकिंग का तो सिंपली स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएगा। नीचे आने के बाद देख रहे हैं कि आई वॉन्ट माई यूजर आई डी, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद देख रहे हैं कि आपके पास अगर डेबिट कार्ड आ गया है तो डेबिट कार्ड पर क्लिक करके यहाँ डेबिट कार्ड का नंबर डाल के इसे भी आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप अपना डेबिट कार्ड का जो भी नंबर होगा वो आपको डाल देना है। इसी तरह क्रेडिट कार्ड है तो क्रेडिट कार्ड का बना लीजिएगा। अगर ट्रेवल कार्ड है तो उसको भी ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा, वो कार्ड का नंबर डाल के आप बना सकते हैं। चलिए हमको यहाँ पे अकाउंट है तो मैं सिंपल यहाँ पे अकाउंट पे करके बना लेता हूँ। अब यहाँ क्या करना है, आपको अपना अकाउंट नंबर डालना है। इसके बाद आपको जो मोबाइल नंबर है जो अकाउंट में लिंक है वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर डाल के यहाँ पर सिंपली आपको लॉगिन कर देना है, गो पर क्लिक कर देना है। तो जैसे क्लिक कीजिएगा, अब यहाँ पर देख रहे हैं जैसे क्लिक गो पर क्लिक किया तो अब यहाँ पर आपका कार्ड नंबर जो है आपको यहाँ पर फोर एफ आई और पी का आपको यहाँ पे दो नंबर का आपको इसमें ऑप्शन आएगा। आपका कार्ड को देखिएगा, बैक साइड में लिखा रहेगा दो इसमें अंक रहेगा, वो आपको डाल देना है। तो जो भी आपके कार्ड में है तो वो आप कार्ड का दो अंक जो आपको कार्ड का बैक साइड में देखिएगा वो होगा। जैसे मेरे केस में यहाँ पर एफ है, एल है, पी है, तो आपके केस में कुछ और भी हो सकता है। तो आपके केस में जो भी आएगा वो आपको यहाँ पर डाल के सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर गो पर क्लिक कर देना। चल मेरे केस में तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। तो अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपके मोबाइल नंबर पे आप देख रहे हैं कि यूजर आईडी सेंड किया है, तो वो आपको यूजर आईडी आपको रजिस्टर मोबाइल नंबर पर दिया हुआ, जो भी आप मोबाइल नंबर जो आप अकाउंट बनाते समय जो भी मोबाइल दिए होंगे तो उसमें आपका एक यूजर आईडी दिया हुआ। यूजर आईडी डाल के यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सिंपली क्या करना है, यहाँ पर नीड लॉगिन पासवर्ड को आपको क्लिक कर देना है। तो ये आपको तीन स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। सिंपली मैं पहले जनरेट नाउ पर क्लिक करके यहाँ पर देख रहे हैं कि आपका पासवर्ड बोल रहा है क्लिक करने के लिए, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे चलिए मैं यहाँ पे जनरेट नाउ पर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ बोल रहा है पासवर्ड जनरेट योर पासवर्ड इन थ्री सिंपल स्टेप। आपको पहले स्टेप में क्या करना, देख रहे हैं कि रेफरेंस नंबर यू आर नंबर पर वन टाइम पासवर्ड आपको ईमेल आई डी मोबाइल नंबर पर सेंड किया जाएगा। इसके बाद दूसरा ऑप्शन जो देख रहे हैं यहाँ मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे आप एक ग्रीट कार्ड ऑथेंटिकेशन के लिए आपको एक नंबर सेंड किया जाएगा, और यहाँ यूनिक नंबर आप देख रहे हैं यूनिक नंबर, और तीसरा नंबर के आप जनरेट पासवर्ड पर क्लिक कर सकते हो। यहाँ भी आपको तीन स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। चलिए हम यहाँ से यहाँ क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे ओके करते हैं। अब जो आपके ईमेल आईडी पे और यहाँ पे आपका जो मोबाइल पे जो यूजर आईडी है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। चलिए मेरे केस में जो यूजर आईडी में यहाँ पर डाल दूँगा। इसके बाद यहाँ पर आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर है, वो आपको रजिस्टर मोबाइल नंबर पर डाल के यहाँ से आपको गो कर देना है। तो यहाँ से देख रहे हैं तो दो स्टेप आपको इसमें हो जाएगा। इसके बाद अगला जो स्टेप आएगा उस स्टेप में आपको जनरेट पासवर्ड का ऑप्शन आएगा। सिंपली आप फर्स्ट स्टेप में आप यहाँ पर यूजर आईडी डालिए, सेकेंड स्टेप में आपका मोबाइल नंबर, थर्ड स्टेप में आपको पासवर्ड को जनरेट करना पड़ेगा। चलिए पहले यहाँ पर हम डाल लेते हैं। अब यहाँ बोला जा रहा है कि आपके मोबाइल पे एक यूनिक नंबर आया होगा, जो आपको यूनिक नंबर यहाँ पे 8 डाल देना है। चलिए मेरे केस में आ गया, मैं यहाँ पर अपना यूनिक नंबर डाल देता हूँ। आप भी कि आपके भी केस में अगर आएगा तो आप भी यहाँ पर डाल दीजिएगा यूनिक नंबर। देखिए यूनिक नंबर के लिए मैं अपना यहाँ से मैं अपना यूनिक नंबर डाल देता हूँ।
यूनिक नंबर डालने के बाद सिंपली यहाँ पे आपको गो कर देना है। जैसे मैं यहाँ से गो कर देता हूँ, गो करने के बाद आप देख रहे हैं कि आपको बोल रहा है कि आपका जो एक जो पासवर्ड बनाइएगा वो पासवर्ड आपको यहाँ डालना है और इस दोबारा से पासवर्ड का आपको यहाँ पे कन्फर्म कर देना है। तो आप पासवर्ड आपको कैसा होना चाहिए तो वो आप यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हिंट भी दे दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि नंबर स्पेशल करेक्टर और अंक होना चाहिए, तो यहाँ पे भी आप हिंट देख सकते हैं। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ए से जेड तक नंबर दिया हुआ है। तो आपका जो पासवर्ड होना चाहिए वो 8 करेक्टर से लेकर 28 करेक्टर के बीच में होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। जैसे मैं बता दूँ पासवर्ड के लिए, अगर आप पासवर्ड बनाना चाहते हैं तो आपको पहला अक्षर होना चाहिए स्मॉल, सॉरी पहला अक्षर आपको कैपिटल, इसके बाद स्मॉल, इसके बाद कोई स्पेशल करेक्टर, कोई नंबर। जैसे मेरा नाम है इंजीनियर राजा, तो शुरू का कैपिटल अक्षर, इसके बाद स्मॉल अक्षर, इसके बाद कोई स्पेशल करेक्टर, इसके बाद कोई नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो आपको बहुत ही आसानी से यहाँ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बन जाएगा। पासवर्ड को दोबारा यहाँ कन्फर्म करके सिंपली यहाँ आपको गो कर देना है। तो देख लीजिए मेरा ये पासवर्ड में स्ट्रॉन्ग है क्योंकि मैं स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यहाँ डाल दिया हूँ। अब डालने के बाद सिंपली यहाँ पर आपको गो कर देना है। जैसे गो कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस तरीके से यह पेज ओपन हो गया जाएगा और यहाँ देख रहे हैं कि आपका पासवर्ड जनरेट हो चुका है। यहाँ लिखा कह रहा है कंग्रेचुलेशन और आपके मोबाइल नंबर पर मैसेज भी आ जाएगा। यहाँ देख रहे हैं कि यू हैव सक्सेसफुली जनरेट ICIC इंटरनेट बैंकिंग लॉगिन पासवर्ड। तो आप इसी तरीके से बहुत ही आसानी से आप इंटरनेट बैंकिंग का पासवर्ड आप घर बैठे खुद से जनरेट कर सकते हैं। अब जैसे कि मेरा पासवर्ड जनरेट हो गया है, मैं आपको लॉगिन करके भी दिखा देता हूँ। आपको यहाँ पे यूजर आईडी डालना है। यहाँ जो भी पासवर्ड आप जनरेट किए हैं वो पासवर्ड डाल के यहाँ सिंपली आपको लॉगिन कर देना है। चलिए मैं आपको लॉगिन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे यूजर आईडी और पासवर्ड डालने के बाद सिंपली यहाँ पर आपको लॉगिन कर देना है। चलिए मैं यहाँ से लॉगिन कर देता हूँ। अब आप देख रहे हैं कि मैं लॉगिन हो चुका हूँ और मेरा ये पूरा डैशबोर्ड ओपन होकर आ चुका है। तो आपका भी कुछ इसी तरीके से ये ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ देख रहे हैं कि आप व्यू स्टेटमेंट पर क्लिक करके अपना स्टेटमेंट देख सकते हैं। यहाँ से रिचार्ज वगैरह कर सकते हैं, यहाँ सेंड मनी का ऑप्शन सेट कर सकते हैं, यहाँ पे का बिल का ऑप्शन पे कर सकते हैं, यहाँ ओपन IBS का ओपन है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपका वो ये आपका बैलेंस यहाँ आ गया है और यहाँ पर आपको जो पिक्चर है वो ऑलरेडी आपका पिक्चर यहाँ पर आ चुका है। इसके बाद यहाँ देख रहे हैं कि पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बैंक स्टेटमेंट यहाँ से देख सकते हैं, ओवर ड्राफ्ट यहाँ से देख सकते हैं, लोन के लिए आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से आप बहुत ही आसानी से आप इंटरनेट बैंकिंग बना के आप इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन हो सकते हैं और यहाँ से अपना जो है टर्म कंडीशन देख सकते हैं और आप यहाँ से बहुत ही आसानी से अपना जो ICIC बैंक इंटरनेट बैंकिंग है उस पर लॉगिन होकर अपना काम कर सकते हैं। सो गाइस, इसी तरीके से आप बहुत ही आसानी से आप ICICI बैंक के इंटरनेट बैंकिंग का यूजर आईडी और पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और आपके दिल में जो भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं।